हाय गाइस, आई एम प्रेरणा, वेलकम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि साड़ियों को स्टाइल करते वक्त मैं किन बातों का ध्यान रखती हूं, किस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करती हूं, हेयर स्टाइल और ज्वेलरी किस हिसाब से सेलेक्ट करती हूं। बट ये सब बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूं। जो लोग इस पार्ट को स्किप कर डायरेक्टली साड़ी स्टाइलिंग पर जाना चाहते हैं वो इस टाइम स्टैम्प को फॉलो करें। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं फॉर गिविंग सो मच लव टू माय प्रीवियस वीडियो। मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आएंगी। आप लोगों ने कमेंट्स में शेयर करा था कि वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव फील हुआ। बिलीव मी गाइस, आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ। कई बार जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बी इट इन फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्नी और पिम्पल्स, तो हम कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि इसमें हम अकेले हैं, ये सब सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। और मैं तो ऐसा सोचने लगती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर जब और लोगों से डिस्कस करते हैं और पता चलता है कि नहीं, दिस इज़ क्वाइट कॉमन, ये बहुत लोगों के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं बेटर फील होता है। और एग्जैक्टली यही मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर फील हुआ। ऑल्सो गाइज, मुझे कई बार ऐसी कॉमेंट्स आती हैं दैट प्रेरणा यू आर हाईली अंडर रेटेड एंड आई फील यू डिजर्व अ लॉट मैनी सब्सक्राइबर्स। बट यू नो गाइज, आपकी कॉमेंट्स पढ़कर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मेरे पास कम सब्सक्राइबर्स हैं बट आई हैव द फाइनेस्ट बंच ऑफ पीपल वॉचिंग माई वीडियोज़। द वे यू गाइज एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ, द वे यू हैड रिटन ऑल द कॉमेंट्स, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दिस कॉमेंट सेक्शन इज जेन्युइनली लिट। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस चैनल वॉट इट इज़। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का एनकरेजमेंट है, इसीलिए ये सब हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और अभी के लिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दो लुक्स के साथ, एक है कैजुअल और एक है पार्टी अप्रोप्रिएट। दोनों लुक्स में जो कॉमन पॉइंट है वो है ये टॉप। ये एक स्टैंडिंग कॉलर फिटेड टॉप है जो मैंने मिंत्रा से ली थी। इट इज़ बाय द ब्रांड मैंगो। ऑफकोर्स मैं इसको जीन्स के साथ पहनती हूँ और सर्दियों में मैं इसको साड़ियों के साथ भी स्टाइल कर लेती हूँ एज अ ब्लाउज, क्योंकि फिटेड है तो गर्म भी रखती है और काफ़ी काम आती है इस टाइप की फिटेड टॉप। पहले लुक के लिए मैंने इस टॉप को स्टाइल करा मम्मी की इस प्रिंटेड साड़ी के साथ। दोनों के ग्रीन परफेक्टली मैच हो रहे हैं। फॉर हेयर स्टाइल मैंने सेंटर पार्टिंग वाला जूड़ा बनाया। मैं इन जनरल जब भी हाईनेक ब्लाउज पहनती हूँ या कॉलर वाला ब्लाउज पहनती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जूड़ा बनाऊँ। इससे थोड़ा नीट और क्लीन लुक आता है, सारी अटेंशन नेक पर रहती है एंड इट लुक्स क्वाइट अपीलिंग। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है आप पे खुले बाल सूट करते हैं तो आप खुले बाल रखें। अब यहाँ क्योंकि मेरे बाल फ्रिंजेस में कटे हुए हैं, इसीलिए मैं दो स्ट्रैंड्स को आपस में ट्विस्ट कर रही हूँ और फिर ग्रेजुअली और बालों को इनमें मिक्स कर रही हूँ। और यही प्रोसेस मैंने कंटिन्यू करा कानों तक, फिर वहाँ पर मैंने पिन कर दिए ये बाल। दूसरी साइड भी मैंने सेम स्टेप्स रिपीट करे और रिमेनिंग बालों को एक पोनी में टाई कर लिया। यहाँ मैं इन बालों को अब जूड़ा बनाऊंगी। जूड़ा बनाने के लिए आप अपनी फेवरेट टेक्निक यूज़ करें। मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी फेवरेट जूड़ा क्लिप। इसके अंदर पोनी को पुश किया, इनवर्ड्स रोल करती गई और जैसे ही पोनी के टॉप पर पहुँची मैंने क्लिप को क्लोज कर दिया। अब यहाँ क्योंकि मेरे जूड़े में से थोड़े से बाल बाहर निकल रहे हैं तो मैं नीटली उनको पिन कर रही हूँ। हल्का सा सामने से मैं लूज कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइट टाइट ना लगे। एंड दिस इज इट। लिप शेड के लिए मैं एक न्यूड कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है न्यूड कॉम्प्लीमेंट करेगा साड़ी के न्यूड अर्दी ब्राउन टोन्स को। नेकलेस के लिए आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज इनिशियली। मुझे लगा मैं ये वाला नेकलेस पहनती हूँ बट जब मैंने इसको नेक पर रखा मुझे ऐसा लगा बहुत मैसी लग रहा है, क्योंकि वहीं पे ही स्टैंडिंग कॉलर भी गैदर हो रहा है, साड़ी का पल्ला भी वहीं से निकल रहा है। इसीलिए आई थॉट आई रादर गो विद अ लॉन्ग नेकलेस। इससे एक नीट और प्रिम एंड प्रॉपर लुक आ रहा है। लॉन्ग नेकलेसेस वैसे भी टॉर्सो और नेक को एक एलोंगेटिंग इफेक्ट देते हैं। नेक हल्की सी लंबी और पतली लगती है, जो कौन नहीं चाहता। अब अगर आप हैवी ब्रेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। तो हैवी ब्रेस्टेड वेमेन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी
कि ऐसे बड़े स्टेटमेंट पेंडेंट वाले नेकलेस पहनने की जगह वो सिंपल पेंडेंट वाली लॉन्ग चेन पहने, वो मुझे लगता है आप पर ज़्यादा सूट करेगी। फिर मैंने झुमकीज और रिंग भी पहनी। मुझे इन जनरल सिल्वर रिंग्स बहुत पसंद हैं, आई फील पूरे आउटफिट में एक प्लश फील दे देती हैं। एंड फिर मैंने ब्राउन बैग और शूज़ के साथ पेयर करा एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लुक। ब्राउन इसीलिए सेलेक्ट करा बिकॉज ब्राउन अगेन साड़ी के ब्राउन अर्थी टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड या दिस इज़ द फर्स्ट लुक। अब गाइज लुक नंबर टू के लिए मैंने फिर से इस टॉप को यूज़ करा, बट इस बार एक पार्टी लुक क्रिएट करा। साड़ी मैंने हल्की सी फैंसी सेलेक्ट करी, ये मेरी मम्मी की सिल्क साड़ी है, स्ट्राइप्ड साड़ी है और इस पर ऐसे सिल्वर स्ट्राइप्स हैं जो काफ़ी स्मार्ट लगती है। मैंने इसको दिवाली पर स्टाइल करा था अपने इस सिल्वर हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ और इस बार मैंने इसको स्टाइल करा फिर से इस टॉप के साथ। इस बार मैंने पल्ला ओपन रखा और ज्वेलरी के लिए ऐसे स्टेटमेंट इयररिंग्स पिक करे। ये ऑफकोर्स साड़ी के सिल्वर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड ऑल ओवर एक पार्टी वाइब दे रहे हैं। नेक्स्ट फॉर हेयरडू, आई वांटेड टू डू समथिंग पार्टी लाइक, तो मैंने ऐसे साइड पार्टेड हेयरडू बनाया। ऑन वन साइड आई ट्विस्टेड द हेयर स्ट्रैंड्स टुगेदर ताकि ऐसा लगे कि बहुत मेहनत करी है, ब्रेडिंग रेडिंग करी है, बट एक्चुअली मैंने स्ट्रैंड्स को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करा, तीन बार करा ऐसे और फिर कानों के पास इनको हिडन वे में पिन कर लिया। बाकी मैंने फ्रिंजेस वाले बालों को ऑन द राइट पुश कर दिया और मेरा एक सेंटर पार्टेड पार्टी हेयरडू तैयार हो गया। सॉरी साइड पार्टेड पार्टी हेयरडू तैयार हो गया। बिंदी मेरी पहले से लगी हुई थी तो मैंने हटाई नहीं, बट ऐसे लुक्स में आप बिंदी लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने मैचिंग सिल्वर हील्स भी पिक करी और इसी के साथ एक सिंपल येट स्मार्ट पार्टी लुक तैयार हो गया विद द सेम वार्मर। तीसरे लुक के लिए मैंने स्टाइल करी ये साड़ी। ये मेरी दादी की साड़ी है और उन्होंने मम्मी को हैंडओवर करी थी, सो यू नो इट इज़ सुपर स्पेशल। इट हैज़ अ गॉर्जियस बॉर्डर एंड सिल्क की साड़ी है। अब इस साड़ी को मैंने स्टाइल करा इस टॉप के साथ। ये पफ स्लीव टॉप मैंने सरोजिनी नगर से ली थी, आई थिंक ओनली फॉर 150 रुपीज़, एंड अनएक्सपेक्टेडली ये मम्मी की बहुत सारी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाती है। लास्ट ईयर मैंने सेम इसी टॉप को स्टाइल करा था विद दिस सिल्क इक्कत साड़ी। दिस इज़ अ स्पेशलिटी फ्रॉम सांबलपुर उड़ीसा और इस बार मैं चाहती थी इस टॉप को दादी की इस साड़ी के साथ मैं स्टाइल करूँ। ज्वेलरी के लिए मैं यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखाऊंगी। पहला है विद अ स्टेटमेंट नेक पीस। आई फील इस तरीके के स्टेटमेंट नेक पीसेस एक सिंपल आउटफिट को भी कैची और स्मार्ट अपील देते हैं, ऑल्सो दे ऐड अ पॉप ऑफ कलर। देन मैंने एक हाई बन बनाया ऐसे स्टेटमेंट नेक पीसेस के साथ। आई लाइक टू कीप माई हेयर नीट एंड सॉर्टेड। हाई बन बनाने के लिए मैंने सेम वही टेक्निक यूज़ करी, वही जोड़ा क्लिप यूज़ करी, बस डिफरेंस ये है इस बार मैंने बालों को एक लो पोनी की जगह हाई पोनी में टाई कर लिया। क्योंकि मेरे बाल सामने से फ्रिंजेस में कटे हुए हैं, सामने से छोटे हैं, तो मैं हल्का सा उनको लूजली पिन कर रही हूँ। यहाँ आप हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा हेयर स्प्रे अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है वो मेरे बालों को सफ़ेद कर देगी। या नेक्स्ट मैंने एक रेड लिप शेड भी लगाया। ये ऑफकोर्स नेकलेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ज़्यादा सिमिट्री देगा लुक को। ऐसे हेयर डूज मेरी मम्मी कहती है मुझ पर बहुत अच्छे लगते हैं, सो दिस वन इज़ फॉर यू मॉम। एंड या दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लुक। मैंने रेड क्लच भी लिया टू ब्रिंग मोर कोहिसिवनेस टू द लुक। अब अगर ऐसे स्टेटमेंट नेक पीसेस आप पर सूट नहीं करते, यू नो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ऐसे स्टेटमेंट नेक पीसेस पहनने में, या फिर अगर आपकी नेक हल्की सी थिक है या शॉर्ट है तब भी आप पर ऐसे स्टेटमेंट नेक पीसेस सूट नहीं करेंगे, तो उस केसेस में आप ऐसे पेंडेंट टाइप लॉन्ग नेकलेस पहने जैसे मैंने पहले बताया था। ये इलोंगेटिंग इफेक्ट देते हैं नेक को, नेक हल्की सी पतली और लंबी लगती है। अब मैंने स्टेटमेंट नेक पीस के साथ तो इयररिंग्स नहीं पहने थे क्योंकि मुझे लग रहा था वो अपने आप में ही काफ़ी है, बट क्योंकि यहाँ पे मेरा पेंडेंट नेकलेस थोड़ा सिंपल है तो मैंने ये फिश कट इयररिंग्स पहने। दे आर बाय ट्राइब बाय आम्रपाली। ऐसे गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स डे टू डे वेयर में बहुत काम आते हैं, साड़ी कुर्तीस के साथ आप इनको पहन सकते हैं, टेंशन फ्री सिंपल लगते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या फिर कहीं कैजुअल
कैजुअल आपने जाना है. इनफैक्ट कॉलेज में भी आई थिंक आप पहन सकते हो लॉन्ग कुर्ती एंड प्लाजो के साथ. आई थिंक इट लुक्स वेरी शीक. आखिरी दो लुक्स मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करे थे. मुझे लगा यहाँ पर भी आकर थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. तो पहले लुक के लिए मैंने स्टाइल करी ये कश्मीरी सिल्क साड़ी विद दिस पिंक फिटेड स्वेटर. क्योंकि फिटेड स्वेटर है तो आप पेटीकोट के अंदर टक इन कर सकते हो और साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं. एक्सेसराइज करने के लिए मैंने पहने सिल्वर इयररिंग्स और एक स्टेटमेंट सिल्वर रिंग. बैग मैंने मैचिंग लिया, इसमें पिंक फ्लावर्स बने हैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. प्लस इसकी स्ट्रिंग में सिल्वर कलर है सो द स्ट्रिंग कॉम्प्लीमेंट्स माई सिल्वर एक्सेसरीज. लास्टली मैं हेयरडू के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी. तो हेयरडू बिल्कुल वही है जो मैंने फर्स्ट लुक में किया था. बस डिफरेंस ये है मैंने इस बार साइड पार्टिंग निकाली, बालों को वैसे ही ट्विस्ट करा, पीछे एक पोनी बनाई और जूड़ा बना लिया जूड़ा क्लिप यूज करके. देन फॉर द नेक्स्ट लुक आई स्टाइल दिस पीकॉक कलर्ड साड़ी. ये साड़ी मुझे मम्मी ने गिफ्ट करी थी मेरे वेडिंग ट्रूजों में और मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं इस साड़ी को स्टाइल करूँ बट मुझे कोई अप्रोप्रिएट ब्लाउज नहीं मिल रहा था इसको स्टाइल करने के लिए. तो इस सर्दियाँ मैंने इस वाइट टॉप के साथ इस साड़ी को स्टाइल करा. अब वाइट क्यों मैंने सेलेक्ट करा? वाइट मैंने इसीलिए सेलेक्ट करा बिकॉज आई फेल्ट वाइट इज़ द परफेक्ट पैलेट टू ब्रिंग आउट द कलर्स ऑफ द साड़ी. अब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि वाइट अलग से कहाँ से आ गया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. तो इसीलिए मैंने एक वाइट चोकर नेकलेस पहना. ये बीडेड चोकर नेकलेस है, इसमें सामने हल्का सा ग्रीन है इसके फ्लावर में और वो ग्रीन साड़ी के ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. देन ईयररिंग्स मैंने रैंडम ऐसे ही पर्ल ईयररिंग्स मुझे किसी ने गिफ्ट करे थे, मेरी कबर्ड में पड़े थे, मैंने इसके साथ पहन लिए और ये वाइट वाइट टॉप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. White earrings, white necklace को compliment कर रहे हैं and this is how I created the look. And with this is the end of this video guys. जाने से पहले मैं आपको एक और साड़ी styling idea दिखाना चाहती हूँ. तो मेरी मम्मी ने Republic Day पर मेरी साड़ी style करी. Usually आप मेरे मुँह से सुनते हैं ये मम्मी की साड़ी है, इस बार तो मैंने दादी की साड़ी भी style कर ली but मम्मी ने मेरी साड़ी style करी which actually I'm grateful for. तो उन्होंने ये साड़ी अपने स्कूल में पहनी थी for the Republic Day celebration. She's a teacher and she went there for the flag hosting ceremony. तब उन्होंने इस navy blue cardigan के साथ साड़ी style करी. मैंने जब pictures देखी तो मुझे ऐसा लगा काफ़ी smart लग रहा है. तो आप इस तरीके की सारी styling ideas use कर सकते हैं एक fitted jacket के साथ या एक coat के साथ साड़ियों को सर्दियों में style करने के लिए. So yeah, I hope आपको ये video अच्छा लगा हो, इससे बहुत सारे ideas मिले hair style के, jewelry styling के and of course सारी styling for the winters. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे थम्स अप देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट लुक कौन सा था. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू सून. बाय.